नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनीज के बारे में जो देखा जाए तो इलेक्ट्रिक बस बनाने में सबसे पहला काम स्टार्ट किए थे, और आज इस कंपनी का इलेक्ट्रिक बसेस का बिजनेस है, साथ ही साथ इंसुलेटर का भी बिजनेस है। तो इलेक्ट्रिक बस तो आपको समझ में आ गया, तो इंसुलेटर क्या है उसको, उसके बारे में आपको बहुत सारे दोस्तों को पता भी नहीं है। तो चलो मैं इस कंपनी का सबसे पहले बिजनेस मॉडल समझाऊंगा, और आज कंपनी क्यों 30% 35% के आसपास गिर चुके हैं हायर लेवल से, और 35% के आसपास डिस्काउंट में दे रहा है, तो क्या उसका फायदा उठाना चाहिए, क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए, इस कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए ठीक होगा, सब कुछ मैं डिस्कस करूंगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलेगा, साथ ही साथ इस कंपनी के स्ट्रेंथ क्या है उसके बारे में भी जानने का मौका मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा डेली बेसिस इनकम करने के लिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। सबसे पहले बता दूं इंसुलेटर क्या होते हैं। आप सभी जानते हैं बड़े बड़े जो मतलब इलेक्ट्रिक पुल होते हैं, इलेक्ट्रिक सप्लाई करने के लिए जितने सारे मतलब पुल्स होते हैं, तो एक जितने सारे इलेक्ट्रिक पुल्स में उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए, यहाँ पे जो वायर्स है उसको ट्रांसफर करने के लिए इंसुलेटर लगाया जाता है। इसका मतलब इस तरीके से प्रोडक्ट लगाया जाता है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट से होगा क्या, जो इलेक्ट्रिसिटी जो यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर होगा, वो अगर इंसुलेटर ना लगाकर काम किया जाता तो इस खंभे जो हो ना, जो इलेक्ट्रिक पुल है उसमें बिजली चला जाता, और जो इसके आसपास कोई लोग अगर टच भी कर लेते तो उसका मौत हो जाता। तो इसीलिए इस तरीके से इंसुलेटर लगाया जाता है, और इसी इंसुलेटर का मतलब काम और इसी इंसुलेटर का बनाने का काम आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो बनाते हैं। तो चलो कंपनी कौन सा है उसके ऊपर बात कर लेता हूँ। कंपनी का नाम है ओलेक्ट्रा गिनटेक लिमिटेड। तो ओलेक्ट्रा गिनटेक लिमिटेड जो है वो देखा जाए बसेस बनाने वाला कंपनी है। इसका कोई चार पांच मॉडल, कंपनी अभी नया एक मॉडल भी लॉन्च किया। कंपनी का पहले तीन मॉडल था, एक्चुअली चार मॉडल था, अभी पांच मॉडल मार्केट में लॉन्च किया, जैसे V2 हो गया, IX हो गया, साथ ही साथ एक नया लॉन्च किया CX2 हो गया। तो नया नया मतलब बासेस मार्केट में लॉन्च किया जा रहा है, और वो भी टोटली ईवीज के बासेस। इसका कोई भी बासेस आपको पेट्रोल डीजल में देखने को नहीं मिलेगा, सबके सब ईवीज के ऊपर है, मतलब इलेक्ट्रिक बासेस है। आप यहाँ पे देख सकते हैं CX2 इलेक्ट्रिक कोच बास, मतलब जो लग्जरीज बास होते हैं वो इसी कंपनी बनाते हैं, और इलेक्ट्रिक बासेस के ऊपर ही कंपनी काम करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है इस कंपनी का जो स्ट्रेंथ है वो इलेक्ट्रिसिटी बसेस के ऊपर। तो इस बसेस में क्या क्या फैसिलिटीज है वो यहाँ पे दिया गया है, छोड़ो वो तो बस की डिटेल्स है, तो मैं वो डिटेल्स यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा। तो इलेक्ट्रिक बसेस इंडस्ट्रीज में अगर सबसे ज्यादा कोई तेजी से ग्रोथ कर रहा था वो है ओलेक्ट्रा किनटेक लिमिटेड। और एक चीज मुझे बाद में रिसर्च करने के बाद पता चला, जब अशोक लेलन साथ ही साथ टाटा मोटर्स ईवीज के मतलब इलेक्ट्रिक जो कार, इस इलेक्ट्रिक जो बसेस है, इलेक्ट्रिक कार जो बनाते हैं, तो वो पहले इलेक्ट्रिक कार बनाते थे, अभी इलेक्ट्रिक बसेस बनाना शुरू कर दिया। तो इलेक्ट्रिक बसेस का लगातार लगातार ऑर्डर अशोक लेलैंड को और टाटा मोटर्स को मिलता रहा है। तो इसके कारण ये जो इलेक्ट्रा गिनटेक है इस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर होगा। आप कहेंगे सर क्यों, क्योंकि देखिए सबसे पहले आपको ये देखना है कंपनी कितना बड़ा है। कंपनी कितना, 3,800 करोड़ का मार्केट कैप है, और आप टाटा मोटर्स को देखेंगे तो लाखों करोड़ का है, साथ ही साथ आप अशोक लेलैंड का देखेंगे तो वो भी 50,000 करोड़ से भी ज्यादा है, इतना बड़ा कंपनी है। तो आप मेरे कहने का मतलब है, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में टाटा मोटर्स नंबर वन है, अशोक लेलैंड सेकेंड पोजिशन में है, और टाटा मोटर्स का मार्केट कैप कितना है, 1,60,000 करोड़ के आसपास, जहाँ पे अशोक लेलैंड का मार्केट कैप कितना है, करीबन 40-50 हज़ार करोड़ के आसपास। और उसी जगह पे आप ओलेक्ट्रा गिनटेक को देखेंगे तो करीबन 3,800 करोड़ के आसपास। तो कितना फर्क है आप देख सकते हैं। आप कहेंगे सर छोटे कंपनी ही तो अच्छा खासा रिटर्न दिया, आपके बात सही भी है, प्रॉफिट एंड लॉस में रिटर्न आप दिखा दूँ तो 10 साल में कंपनी 45%, 5 साल में 17% 3 साल में 44%, और 1 साल में कितना, 32-40% के आसपास लॉसेस दिया। ये बात भी आपको भूलना नहीं चाहिए। कोई भी स्टॉक अगर भाग रहा है उसका मतलब उससे उसमें बहुत बड़ा दम है, ऐसे बिल्कुल मत सोचना। क्योंकि इस कंपनी देखिए कोविड के सिचुएशन से पहले कंपनी ने लॉस किए थे
16 करोड़ के आसपास। उसके बाद प्रॉफिट तो किया, मगर प्रॉफिट को कंटिन्यूअसली मतलब ग्रोइंग मोड में नहीं लेके जा पाया, पर कभी 14 करोड़ के आसपास, उसके बाद दूसरे साल में 8 करोड़, उसके बाद करीबन 35 करोड़, उसके बाद 57 करोड़। तो इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में भी अभी भी अप्स एंड डाउन है, क्योंकि सेल्स के कारण ही इस तरीके से अप्स एंड डाउन देखने को मिला है। सेल्स आप देखेंगे तो कभी 200 करोड़, 280 करोड़, 590 करोड़। तो उसके साथ देखिए, अब एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो कभी एक्सपेंस ज़्यादा, कभी एक्सपेंस कम। साथ ही साथ कंपनी का जो इंटरेस्ट है, कर्जा है, वो भी तो पे करना पड़ रहा है। तो इंटरेस्ट कर्जा भी पे करने के बाद कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट आया, ऑब्वियसली पॉजिटिव है। कैश फ्लो जो है वो देखा जाए तो थोड़ा सा नेगेटिव था, अभी पॉजिटिव में आया हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब है, इस इलेक्ट्रा गिनटेक बासिस का अभी फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्योंकि जब टाटा मोटर्स जैसे कंपनी, अशोक लेलैंड जैसे कंपनी इलेक्ट्रिक बासिस के ऊपर काम कर रहे हैं, तो इस बास का क्या होगा। देखिए, ऐसे नहीं कि इस बास का, इस कंपनी का ऑर्डर नहीं मिलेगा, ऐसे नहीं कि इस कंपनी का प्रोजेक्ट नहीं मिलता। मैं बहुत सारे वीडियोस आपको बना के दिया इस कंपनी के ऊपर, जहाँ पे आपको मेंशन कर ही चुका हूँ कि कंपनी को ऑर्डर मिलता रहा है और धीरे धीरे करके ऑर्डर मिलता है, ऐसे नहीं कि बिग ऑर्डर मिल गया। तो फ्यूचर में टोटली देखा जाए तो ईवीज बसेस का ज़्यादा देखने को मिलेगा, हाइड्रोजन बसेस ज़्यादा देखने को मिलेगा, साथ ही साथ इथेनल अल्कोहल से चलने वाले बसेस भी देखने को मिलेगा। तो उस हिसाब से इस तरीके से कंपनी अगर खुद का बिजनेस को डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, खुद का बिजनेस को मॉडल्स को चेंज करते हैं, तो एक बहुत बड़ा ग्रोथ और पोटेंशियल इस तरीके से कंपनी को दिखेगा। तो एक एक बात आपको मैं दिखा देता हूँ, इलेक्ट्रा ग्रीनटेक के मैं अगर चार्ट पैटर्न दिखा दूँ, कोविड के सिचुएशन में इस कंपनी का प्राइस था करीबन 40-50 रुपीज के आसपास। तो वहां से कंपनी जो जर्नी दिखा है ना, वो धमाका जैसा, लोगों को मल्टीपल का रिटर्न यहाँ पे दे चुके हैं। 50 से करीबन 1000 तक जो जर्नी है, 1000 तो नहीं हुआ था, करीबन 950 हुआ था। तो ये जो जर्नी है, ये जर्नी आपको बताते हैं कि कंपनी आपको कितना मल्टी बेगा रिटर्न दिया। मगर मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, कोई भी व्यक्ति ने यहाँ पे खरीद के इस लेवल तक वेट किया, कोई भी व्यक्ति ने, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि सही से हो नहीं सकता। हाँ, मैं मान लेता अगर ये ब्लू चिप टाइप कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, जैसे टाटा मोटर्स के ऊपर, अशोक लेलैंड के ऊपर, तब वो इस तरीके से होल्डिंग कर सकते थे, तब वो इस तरीके से होल्डिंग कर सकते थे। इस कंपनी के ऊपर क्यों नहीं होल्डिंग किया, कारण कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, और स्मॉल कैप टाइप कभी भी तेजी से भाग भी सकता है और तेजी से गिर भी सकता है। तो आज हालत देखिए, टॉप लेवल में कितना था, करीबन 950 रुपीज के आसपास, और वहां से जो गिरावट हुआ कहाँ पे आ गया, 450 के आसपास, 460 रुपीज के आसपास। तो ये जो टाइम ऑफ जर्नी है, इस जर्नी में कंपनी में एक सीखने का चीज यही मिला, छोटे कंपनी के ऊपर निवेश करना बहुत बड़ा खतरा हो सकते हैं। तो आप कहेंगे सर, इलेक्ट्रा ग्रीनटेक के ऊपर क्या आपका निवेश है, मेरे पास कोई भी इस कंपनी का हिस्सेदारी नहीं है। मैं ऑब्वियसली व्यापार जरूर करता हूँ टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड के ऊपर, मैं खुद का पोर्टफोलियो के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि आप भी जाकर कल इस कंपनी को बेच दीजिएगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। आप इस कंपनी के ऊपर भरोसा रखते हैं तो कंटिन्यू जरूर कर सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी में स्ट्रेंथ है, ऐसे नहीं कि स्ट्रेंथ नहीं है। कंपनी में ग्रोथ तो पोटेंशियल भी अच्छा है, कंपनी का डेप्थ भी कम है, कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा है। थोड़ा सा इस कंपनी को टाइम देना पड़ेगा, तभी आपको इस कंपनी में अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल सकता है फ्यूचर में। इंस्टीट्यूशन देखिए, पहले FIIs ने माल नहीं उठा के रखे थे, 3% था, आज 10% के आसपास है। DS के पास 6.60% था, अभी 0.9% के आसपास है। पब्लिक के पास 35% के आसपास था, अभी 40% के आसपास होल्डिंग है। तो प्रोमोटर के पास 61% होल्डिंग था, आज 50% होल्डिंग है। तो ओवर बात करूँ, प्रोमोटर खुद खुद के शेयर को इस लेवल में लेके आया, जहाँ पे प्रोमोटर का खुद का मतलब ओपिनियन यहाँ पे गवा चुके हैं, क्योंकि प्रोमोटर खुद का ओपिनियन रखने रखने के लिए कंपनी के पास 51% का होल्डिंग होना चाहिए था, यहाँ पे 50% का होल्डिंग हुआ है। तो अभी कुछ डिसीजन लेने से पहले शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स, मैं चार्ट पैटर्न भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 460 का लेवल अगर टूटता है तो एक बहुत बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है, और नेक्स्ट जो लेवल रहेगा अराउंड अराउंड 3300 लेवल के आसपास, मतलब 300 का लेवल तक आ सकते हैं इस कंपनी का डिटेल्स, इस कंपनी का प्राइस। तो इस कंपनी को स्टडी करना, उसके बाद डिसीजन कुछ भी लेना, मेरे कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है इस वीडियो के माध्यम से। तो
मैं टोटली एडुकेशन पर्पस में आपको हर डेटा दिखा चुका हूँ, आप एक बार रिसर्च करना, उसके बाद डिसीजन लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।